नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। बुलबुल की चपेट में कोलकाता आया है और रद्द हुई है पटना की 5 फ्लाइटें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट हमारे चैनल से आप मिस ना कर सके एविएशन सेक्टर से। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोन बुलबुल की चपेट में शनिवार को कोलकाता एयरपोर्ट आ गया है। आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा और बारिश के कारण वहां पर विमानों का उतरना संभव नहीं हो पा रहा है और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सारी उड़ाने जो है वो ठप कर दी गई हैं। इसके कारण कोलकाता से पटना आने जाने वाली 5 फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। इनमें से 3 इंडिगो की जबकि 1 स्पाइसजेट और गो एयर की फ़्लाइट थी। रद्द होने वाली 5 फ्लाइटों में से 4 फ्लाइट शाम 6 से रात 10 के बीच पटना पहुंचती थी और यहां से उड़ती थी। परेशान यात्रियों में कुछ ने लिया रिफंड, अधिकतर ने किया रीशेड्यूल। आपको बता दें 5 फ्लाइटों के रद्द होने से शनिवार की शाम पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई थी। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह ने बताया कि यात्रियों के सामने रीशेड्यूल और रिफंड दोनों विकल्प रखे गए, जिनमें से कि कुछ ने रिफंड सिलेक्ट किया और कुछ ने नियमानुसार बिना किसी कटौती के पैसा लौट गया उनका। और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी फ़्लाइटें रीशेड्यूल करवाई, काफ़ी सारे लोगों ने अपना रिफंड लिया। जिन्हें अगले उपलब्ध फ़्लाइट की टिकट दे दी गई है जिन्होंने रीशेड्यूल करवाई है। स्पाइसजेट और गो एयर ने भी फ़्लाइटों को रद्द किया है और यात्रियों को ऐसी सुविधाएँ दी हैं जिसमें कि परेशानी थोड़ी कम हो सके। रद्द होने वाली फ़्लाइट एयरलाइन संख्या इंडिगो 6E7718, इंडिगो 6E342, इंडिगो 6E689, स्पाइस जेट की SG377 और गो एयर की G8761। तो दोस्तों ये 5 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं कोलकाता से पटना के लिए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताइए। कोई भी सवाल सुझाव सजेशन अगर आप देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है अगर आपका एयरलाइन से रिलेटेड या आप करने वाले एयर ट्रेवल, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिगो न्यूज़। मैं हूँ आपका दोस्त विनायक। जय हिंद, वंदे मातरम।